हाय, वेरी स्वीट मॉर्निंग माय डियर्स। आज हम आपको फिर से डिटेल में लाए हैं। वो पार्ट है आपका, टॉपिक है वाटर। हम लोग पीछे वाले वीडियो में वाटर के बारे में फुली डिस्कस किए थे, ठीक है। आज हम उसका वन बाय वन पॉइंट के बारे में देखेंगे कि इसका पानी जो है हमारे बॉडी में किस तरह के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम आपको पीछे बताए थे कि हम वाटर जो है हमारे बॉडी में सिर्फ एक दो ही फंक्शन नहीं करता है, बल्कि बहुत सारा फंक्शन करता है। तो देखिए, अब फर्स्ट पॉइंट है, ऑल द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी लाइक डाइजेशन अकर इन द डिजॉल्व और सोल्यूबल स्टेट। देखिए, हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे कि भोजन का पचना। सिंपल सा एक एग्जांपल है, भोजन का पचन, जो कि हमारे शरीर में भोजन पचता है, तो इसमें भी आपका वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वाटर नहीं होगा तो आपका वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। यदि आपके शरीर में वाटर नहीं होगा तो वो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा और आपका भोजन जो है, फूड जो है, वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये था पॉइंट फर्स्ट में। सेकेंड पॉइंट है, वाटर हेल्प्स टू कैरी डाइजेस्टेड फूड अराउंड द बॉडी। और जो भोजन पच जाता है, जो हमारे शरीर में लग जाता है, जिसको बोलते हैं भोजन हमारे शरीर में लग जाता है, हमारे शरीर में डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब हमारे शरीर को एनर्जी फॉर्म में बन जाता है। फूड का जो पार्ट वो डाइजेस्टेड फॉर्म में आ जाता है, मतलब एनर्जी फॉर्म में आ जाता है ना, फूड का वह पार्ट जो हमारे शरीर के लिए एनर्जी फॉर्म में आ जाता है, तो वह हमारे शरीर में जो पूरे पार्ट में जाता है वो वाटर के थ्रू ही जाता है, ठीक है। यदि वाटर नहीं होगा तो हमारे बॉडी पार्ट में उसका एनर्जी हमारे ऑल पार्ट में नहीं मिल पाएगा। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है आपका, हम सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है, कभी हेडेक होता है, कभी स्टमक प्रॉब्लम, स्टमक एक होता है, कभी हैंड पेन होता है, कभी लेग पेन होता है, मतलब दर्द होता है, कभी सिर दर्द होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी हाथ दर्द होता है, बहुत सारा दर्द होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन खाते हैं, है ना। मेडिसिन आप क्या आप लोग बिना पानी का दवाई कभी खाए हैं जी? नहीं। आप जो है ना, दवाई जब खाते हैं तो पानी को लेके ही खाते हैं, ठीक है। तो वो पानी क्या करता है, हमारे स्टमक में रिएक्शन करने में हेल्प करता है, फिर जो वहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है दवाई, मेडिसिन जो हमारे शरीर में जो पच जाता है, उसको हमारे शरीर के एक एक अंग में, जहाँ पे पेन है वहाँ भी, जहाँ पे पेन नहीं है वहाँ पे, हर जगह पहुँचाने में वाटर ही इम्पोर्टेंट है। वाटर ही उस जगह को ले जाता है, वाटर ब्लड में मिल के, वाटर और वो जो डाइजेस्टेड मेडिसिन वो आपको ब्लड में मिल जाता है, वही ब्लड आपके पूरे शरीर में ले जाता है। तो हमारा जो ब्लड आता जाता है, ब्लड जो बना है वो भी वाटर से बना है। यदि हमारे शरीर में ब्लड नहीं होगा, सॉरी वाटर नहीं होगा, है ना, हमारे शरीर में यदि वाटर नहीं होगा तो ब्लड नहीं होगा, अब ब्लड नहीं होगा तो फिर हम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये था आपका कि डाइजेशन करने में भी है। और पॉइंट है, इट आल्सो कैरीज वेस्ट विच आर थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्वीट एंड यूरिन। वाटर क्या करता है, हमारे शरीर से मल मूत्र को भी त्याग करने में मदद करता है। यदि आपको आपके शरीर में वाटर नहीं हो तो आपको ठीक से, आपको क्या कहते हैं, लैट्रिन नहीं होगा, ठीक से आपको टॉयलेट नहीं लगेगा। यदि आपके शरीर में वाटर की परसेंटेज कम हो जाए, आपके शरीर में पानी हो ही नहीं, तो आपको टॉयलेट नहीं होगा, ठीक है, आपके शरीर से पसीना नहीं निकलेगा और आपको लैट्रिन नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग अक्सर देखे होंगे, कोई एजेड पर्सन है, वो जब भी वॉशरूम जाते हैं तो अक्सर वो ढेर सारा पानी पी के ही जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पानी पीने से शरीर में तो लगता ही है, साथ साथ में जो वेस्ट मटेरियल है उसको थ्रो आउट करने में हेल्प करता है, ठीक है, थ्रो आउट करने में हेल्प करता है। तो ये है हमारे बॉडी का, बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट वाटर चीज, वाटर एज ए कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड, इट हेल्प्स कैरी केमिकल्स एंड गैसेस थ्रू आउट द बॉडी। तो ये जो है ना, पानी जो है हमारे खून का भी एक कंस्टिट्यूएंट पार्ट है, ठीक है। मतलब खून जो बना है वाटर से भी बना है, वाटर यदि नहीं होगा तो वो खून नहीं होगा। इसे हम लोग अक्सर देखते हैं कि हाथ जब कट जाती है तो खून एकदम तेज़ी से निकलता है, तो तेज़ी से कैसे निकलता है, वो वाटर के हेल्प से निकलता है। यदि वाटर नहीं होता तो वो भी नहीं निकलता, ठीक है। जिस तरह से पानी एकदम तेज़ी से बह जाता है, इस तरह से खून भी हमारे शरीर से बह जाता है। तो पानी जो है हमारे खून को बनाने का भी एक हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, वाटर आल्सो हेल्प्स टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर थ्रू द प्रोसेस ऑफ स्वीटिंग। वेरी गुड। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी कंट्रोल करता है, बिल्कुल। और किस तरह से, स्वीटिंग से। स्वीटिंग क्या होता है, SWEATING, स्वीटिंग में होता है बाबू पसीना बाहर करना। स्वीटिंग मतलब पसीना, स्वीट मीन्स पसीना होता है, स्वीटिंग मतलब पसीना बाहर करना, मतलब उत्सर्जित होना। इससे पता है क्या होता है, वाटर जो है हमारे बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है। अब जब कभी हम लोग
एक्सेस वर्कआउट कर लेते हैं या एक्सेस सनलाइट में रहते हैं तो हमारा बॉडी हीट हो जाता है ना, हमारा शरीर क्या होता है हीट हो जाता है, हाई हीट हो जाता है। तो उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए हमारे बॉडी हमारे वाटर से स्वीट निकलता है, मतलब पसीना निकलता है। जब पसीना निकलता है तो हमारा बॉडी नॉर्मल रहता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे कि जब भी हमें हवा लगती है उस वक्त तो हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है, और ऐसा होना भी चाहिए। तो इसीलिए वाटर जो है हमारे बॉडी को मेंटेन करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए हमें वाटर भी जो उतना इंपॉर्टेंट है जितना मिनरल्स था, प्रोटीन था, कार्बोहाइड्रेट था, वाटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि वाटर नहीं होगा तो फिर हम ठीक से सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, एक्सक्रेशन, स्वीटिंग एंड ब्रीदिंग मेक्स अस लॉस अबाउट 2 or 3 liters ऑफ वाटर एवरी डे। देखिए हम लोग बहुत सारा काम करते हैं एक दिन में। पहला आपका एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मतलब हुआ मल त्याग करना, है ना, एक्सक्रेशन मतलब मल त्याग करना। उसके बाद स्वीटिंग पसीना त्याग, पसीना को बाहर करना, पसीना को त्याग करना, ठीक है। एंड ब्रीदिंग जो कि हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेते हैं तो हमारे शरीर से भी वाटर वेपर निकलता है, हवा निकलती है, ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को करने के लिए एक प्रत्येक दिन में, इन तीनों चीज़ को करने के लिए हमारे शरीर को प्रत्येक दिन में 2 से 3 liters पानी चाहिए, ठीक है। हमारे शरीर में प्रत्येक दिन 2 से 3 liters पानी चाहिए तो सही मात्रा में और अच्छी तरह से एक्सक्रेशन हो पाएगा, स्वीटिंग हो पाएगा, ब्रीदिंग हो पाएगा। यदि हमारे शरीर में 2 से 3 liters पानी एवरी डे इसके लिए सिर्फ चाहिए, 2 से 3 liters पानी सिर्फ इन तीनों चीज़ों के लिए चाहिए। आपको दो अदर वर्क करना है, फिजिकल वर्क करते हैं तो आप लोग कर 5, 6, 7, 8, 9, 10 liters भी आप पानी पी सकते हैं, और पीना भी चाहिए और पीते भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द रेस्ट कम्स फ्रॉम फ्रूट। हाँ, तो कहते हैं क्या, ये जो है हमारे 1.5 liters जो है हमें पानी पीने से मिल जाती है हमारे शरीर को। 1.5 liters जो है हम पानी पीने से ले लेते हैं, और कोई लिक्विड सामान हम कुछ पीते हैं, कभी जूस पी लेते हैं, कभी कुछ खा पी लेते हैं, तो उनसे भी मिलता है, ठीक है। और बाकी बात जो हमारे शरीर में कहाँ से आता है, ये आपका द रेस्ट कम्स फ्रॉम फूड, भोजन से भी हमें पानी मिलती है, हमने आपको पीछे वाले वीडियो में बताया था, ठीक है। फ्रूट एंड वेजिटेबल कंटेंट अ लॉट ऑफ वाटर, फ्रूट और वेजिटेबल जो होता है उसमें बहुत ही मात्रा में पानी होती है। सिंपल से एग्जांपल, आप लोग तरबूज खाते हैं, खीरा खाते हैं, गजरा खाते हैं, और एप्पल खाते हैं, ऑरेंज खाते हैं, ये जो भी चीज़ हम लोग खाते हैं इन सभी में क्या होता है, वाटर की परसेंटेज होती है, ठीक है। आप लोग जो भी सब्जी भी खाते हैं उसमें भी वाटर की परसेंटेज होती है। यदि उसमें वाटर की परसेंटेज नहीं होती तो वो सूख जाता, ठीक है। जैसे आलू हम खाते हैं, आलू में भी पानी होता है, टमाटर खाते हैं उसमें भी पानी होता है, भिंडी खाते हैं उसमें भी पानी होता है। यदि उसमें पानी नहीं होता तो वो भिंडी आपका सूख जाता है ना, तो वो क्या होता है, ड्राई हो जाता है। तो जो भी चीज़ आपका हरा ताज़ा है इसका मतलब समझिए कि उसमें पानी है, और उसको हम खाएंगे तो वो पानी हमारे शरीर में जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, यू कैन गेट अ फेयर आइडिया ऑफ द वाटर कंटेंट ऑफ वेजिटेबल बाय वेकिंग देम और लेटिंग देम ड्राई इन द सन। देखिए आप यदि चाहते हैं, जानने के लिए चाहते हैं कि भाई इसमें फ्रूट में, वेजिटेबल में वाटर कहाँ है, कैसे है, तो आप सिंपल सा एक्टिविटी कीजिए। सिंपल सा एक्टिविटी क्या है, आप फ्रूट लीजिए, कोई वेजिटेबल लीजिए, उसको आप सन के लाइट में छोड़ दीजिए, ठीक है, धूप में आप उसको छोड़ दीजिए। देखिएगा after 1 hour, 2 hour, or after 1 day वो फ्रूट और वेजिटेबल क्या होगा, और एकदम बिल्कुल ही ड्राई हो जाएगा, वो सूख जाएगा, उसके में जो पानी होता है वो सब गायब हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि उस समय में वाटर होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसका नाम है डिहाइड्रेशन, ठीक है। आप लोगों को कुछ बच्चों ने पूछा था डिहाइड्रेशन क्या होता है, बट मैं फिर से आपको बता दूं, आज हम डिहाइड्रेशन के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, जिसका नाम है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता है जब हमारे शरीर में वाटर की परसेंटेज कम हो जाती है, हमारे शरीर में पानी घट जाती है, ठीक है। देखिए, द लॉस ऑफ अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब हमारे शरीर से अत्यधिक मात्रा में पानी की कमी हो जाए, जब हमारे शरीर से अत्यधिक मात्रा में पानी की कमी हो जाए तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रेशन, ठीक है। क्या कहते हैं उसे ही, डिहाइड्रेशन। इट कैन हैपन ड्यू टू डायरिया, वोमिटिंग, बर्न्स और हीट स्ट्रोक। ये देखिए डिहाइड्रेशन आपको कैसे हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, पहला तो सिंपल एक्टिविटी है कि आप पानी नहीं पियेंगे तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है। अब पानी नहीं पियेंगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। दूसरा एक डिजीज़ का नाम, इसको कहते हैं डायरिया, डायरिया होने से, ठीक है, डायरिया होने से भी आपको
ये आपके शरीर से पानी की मात्रा कम हो जाएगी। जैसे कि आप लोग अक्सर सुनेंगे वो बच्चा बहुत ही लेटरिंग करने के लिए जा रहा है, छोटा बच्चा करीब दिन में 6-7 बार लेटरिंग जा चुका है। तो देखिए लेटरिंग जाने से भी हमारे शरीर से वाटर की लॉस होने लगती है पानी। यदि आप 1-2 बार नॉर्मल गए तो चलेगा, 1-2 बार गए तो चलेगा, 3 बार गए चलेगा। आप कंटिन्यू बार बार हो जा रहा है, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, 7-10 बार हो गया, तो इससे उसके शरीर से वाटर की परसेंटेज कम होने लगती है, ठीक है। उसी को डायरिया कहते हैं। और वोमिटिंग, हम लोग जो वोमिटिंग करते हैं वो उछल जो देते हैं, उससे भी हमारे शरीर से वाटर की परसेंटेज कम हो जाती है, ठीक है। और हमारे शरीर में कहीं जल जाता है या हमें कभी गर्मी लग जाता है, शॉर्ट स्ट्रोक आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें क्या होती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है। अलॉन्ग विद वाटर द बॉडी लॉसेज मिनरल्स लाइक सोडियम एंड पोटाशियम। इसी तरह से क्या हो जाता है, हमारे शरीर से मिनरल्स भी लॉस हो जाता है, जैसे कि सोडियम पोटाशियम, ये हमारे शरीर से गायब हो जाता है, जो कि हमारे लिए बहुत ही लॉस हो जाता है। विच लीड्स टू क्रैम्प्स, जो कि हमें क्रैम्प्स दे जाता है, ठीक है। तो ठीक है, आपका आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया, हम लोग फिर मिलते हैं इसी पॉइंट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, सी यू।